आप सब बच्चों को एक सूचना बताया जा रहा है और आज तेईस मार्च है ना yes, तो भारत सरकार का तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि आप सब बच्चों का विद्यालय फिर बंद किया जा रहा है क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है शांत yes, रहिए कि आपका विद्यालय आज से 31 मार्च तक विद्यालय बंद रहेगा yes, ठीक है yes, और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि यही काम पिछले साल भी हुआ था कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जाएगा जब आपका एनुअल एग्जाम चल रहा था और तब से लेके पूरा साल जो था वो विद्यालय बंद हो गया जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इस साल जब विद्यालय खुला आपने किताब कापी अपना सारा व्यवस्था कर लिया तब हमारे तुगलकी फरमान जो हमारे सरकार हैं वो अब आदेश कर दिए कि अब फिर जो है कि ये विद्यालय फिर बंद होगा माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बच्चों के भविष्य के साथ और जो प्राइवेट अध्यापक विद्यालय में पढ़ा के अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ठीक है कोरोना अगर बढ़ रहा है विद्यालय बंद था पूरे साल में किसी एक अध्यापक ने किसी एक प्रबंधक ने कभी भी विद्यालय खोलने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया लेकिन बीच में अगर कोरोना फैल रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब गोरखपुर महोत्सव आप करा रहे थे तब कोरोना फैल नहीं रहा था जब आप आके यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में कुंभ का मेला लगवा रहे थे तब कोरोना नहीं फैल रहा था जहां पे करोड़ों लोग स्नान करने गए और अभी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन आप करवा रहे हैं तब कोरोना नहीं फैल रहा है बिहार में चुनाव हो रहा है तब कोरोना नहीं फैल रहा है और विद्यालय जो बच्चों का सबसे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं जिनकी बुनियादी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पिछले दो साल से और अब जाके फिर लॉकडाउन आप लगा रहे हैं आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हैं ये जितने भी बच्चे हैं अगर एक मार्च आप एक अप्रैल बोले हैं एक अप्रैल तक अगर विद्यालय नहीं खुला तो इन सारे बच्चों को लेके मैं रोड पे बैठ जाऊंगा ये मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि बात सिर्फ मेरे तक का नहीं है इन सारे बच्चों का भविष्य है और इन सारे बच्चों का भविष्य आप लोग अंधकार में डाल रहे हैं आप लोग खुद नहीं चाहते हैं कि देश का बच्चा पढ़े पढ़ के कुछ लायक बने आप लोग अपना जब रैली निकालना रहेगा चुनाव रहेगा तो कोरोना आपके पास नहीं रहता है और जब आपको लगेगा कि आपके विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं तो आप कोरोना का ड्रामा करा के विद्यालय को सबसे पहले आप बर्बाद कर रहे हैं आप बताइए विद्यालय में आप गोरखपुर जिले में एक लोगों ने अपने विद्यालय की मान्यता निरस्त करा लिया जानते हैं क्यों महान योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि वो लीज़ पे चलाते थे और उनका भाड़ा हुआ करता था चालीस चालीस हजार पैंतालीस हजार रुपया मंथली हुआ करता था वो भाड़ा न चुकाने के वजह से चूंकि मालिक को भाड़ा चाहिए उन लोगों ने अपनी मान्यता निरस्त करा दिया और सरकारी जो स्कूल है उनकी हालत तो पहले से मतलब खस्ता हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में गार्जियन करे तो क्या करे और हम अध्यापक करे तो क्या करें यह जितने भी 16-17 स्टाफ हैं इन सब लोगों की रोजी रोटी चलती है इन बच्चों के और इस विद्यालय के संस्था से आप लोग हमारे पेट पे प्रहार कर रहे हैं हम लोगों के व्यवसाय से प्रहार कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कोरोना है ठीक है विद्यालय बंद कर दीजिए तो आप ये भी अपनी नियत को साफ करिए कि कुंभ का जो मेला महाकुंभ का लगवाने वाले हैं उसको भी कैंसिल कर दीजिए और जो गोरखपुर महोत्सव और गोरखनाथ का मेला लगवा के आप ड्रामा करवा रहे हैं वो भी बंद करवाइए यानी आप खुद नियम का पहले फॉलो करिए हम लोग नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं अगर लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे इन बच्चों को चेहरों को देखिए इनके माता पिता ने सारे बच्चों का किनका मोबाइल बज रहा है साइलेंट कर लीजिए सर इन सब बच्चों के माता पिता ने बच्चों कितने लोगों ने आप किताब कापी अपना सारा कंप्लीट कर लिए हो पता है एक एक बच्चों की किताब कापी दो दो हजार रुपए की आती है आप फिर लॉकडाउन लगा दिए इनकी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई अब यानी आपने एक हफ्ते का लगाया है आपकी नियत पे तो मुझे हंड्रेड विश्वास है ही नहीं है आप करोगे क्या आप पूरे साल पढ़ाई बर्बाद करोगे हाथ नीचे करिए अब ये बच्चे करेंगे क्या किताब ले इनके के गार्जियन करेंगे क्या हम लोगों ने पूरा कॉपरेट किया सरकार को जितना दिन लॉकडाउन लगा था उतना दिन का मैंने पूरे सभी विद्यालय के लोगों ने शुल्क माफ कर दिया क्योंकि गार्जियन के ऊपर कोई लोड न पड़े हम लोगों ने टीचरों को पेमेंट नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने जब फीस नहीं लिया तो पेमेंट कहाँ से करें हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया जितना हो सकता था सब लोगों ने साथ दिया लेकिन अब इतनी कंडीशन होने के बाद विद्यालय खुलने के बाद आप लोग विद्यालय बंद कर रहे हैं ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और आपका पोलिटिकल जो फंडामेंटल जिस पे आप चल रहे हैं कि जिन नियतों पे आपका बर्बाद होने वाला है मैं लिख के आपको दे दूंगा कि अगर फिर से एक अप्रैल के बाद ठीक है अगर एक हफ्ते के रोकने के बाद कोरोना भाग जाता तो मतलब एक हफ्ता आप बंद कर लीजिए बिल्कुल हम लोग एक हफ्ता नहीं पढ़ाई कराएंगे लेकिन अगर फिर साल भर का ड्रामा आपने किया तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा कि तानाशाही उतना ही अच्छा लगता है जितना तानाशाह के अंत होने का समय ज्यादा दूर हो और आपका समय बिल्कुल नजदीक आ गया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा एक अप्रैल के बाद अगर विद्यालय फिर से आप बढ़ाएंगे तो इन सब चेहरों को देख लीजिए और इनके गार्जियन को लेके अपने पूरे स्टाफ को लेके जिले तक जिले से लेके मैं प्रदेश लेवल तक धरने पे बैठूंगा इस बात को याद रखिएगा क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ मेरे रोजगार का नहीं है मेरे जितने सहपाठी और जितने मेरे कर्मचारी लोग हैं और इन बच्चों के पढ़ाई का भविष्य का सवाल है तो मैं इन बच्चों को लेकर धरने पर बैठ जाऊंगा और जरूरत पड़ा तो असंवैधानिक भी हो जाऊंगा इसी के साथ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक हफ्ता में बंद करने से करोना भाग जाता है तो हम सब लोग आपके साथ हैं अगर नहीं भागता है तो एक अप्रैल से छोड़ दीजिए हम लोगों को कोरोना होगा मरेंगे क्या करेंगे वो हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन लगाने के बाद खाना हम ही लोग पहुंचाएंगे लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे उनके दवा दारू की व्यवस्था हम ही लोग करेंगे आप सिर्फ ड्रामा करेंगे सिर्फ थरिया पिटवाएंगे और मोमबत्ती जलवाएंगे इससे ज्यादा तो आपकी कुछ औकात है ही नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अप्रैल के बाद आप विद्यालय खोल दी